दोस्तों आज एक ऐसे युद्ध का किस्सा हम आपको सुनाएंगे जिसमें मात्र कुछ वीरों ने अपनी बहादुरी के चलते पूरी की पूरी सेना को अपने आगे झुकाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसे चमकौर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में सुनते ही गर्व सा महसूस होता है। आइए सुनाते हैं आपको इस युद्ध का किस्सा। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब के लाख कोशिशों के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों सहित 40 सिखों ने गुरुजी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख मुगल सैनिक भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनके अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। मई सन 1704 की आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरुजी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, पर ये मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए, पर कुछ ही देर बाद मुगलों को पता चल गया कि गुरुजी यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। यह पता लगते ही वो उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। सिरसा नदी पार करने के पश्चात 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुजार सिंह के अतिरिक्त गुरुदेव जी स्वयं कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। गुरुदेव जी का परिवार भी उनसे बिछड़ गया। गुरुदेव जी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। गुरुदेव जी ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा कुचा असला बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया। अब सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सैन्य का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालने, केवल वीरगति प्राप्त करनी है। गुरुदेव जी अपने 40 शिष्यों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने स्वयं कच्ची गढ़ी के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। आखिरकार जब मुगलों की सेना गुरुदेव जी का पीछा करती हुई चमकौर के मैदान में पहुंची, देखते ही देखते उसने गुरुदेव जी की कच्ची गढ़ी को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चला था कि गुरुदेव जी के पास केवल 40 ही सैनिक हैं, अतः वे यहां गुरुदेव जी को बंदी बनाने का स्वप्न देखने लगे। लेकिन मुगलों को इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था कि उनके खिलाफ पहले ही षड्यंत्र रचा जा चुका है। जब सरहिंद के नवाब वजीर खान ने सुबह होते ही मुनादी करवा दी कि यदि गुरुदेव जी अपने आप को साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले कर दे तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव जी ने मुगल सेनाओं पर तीर की बौछार कर दी और उन्हें समझ आ गया कि वे लड़ने को तैयार हैं। जब युद्ध शुरू होने की कागार पर था तो उस समय मुकाबला 40 सिखों का हजारों असंख्य की गिनती में मुगल सैन्य बल से था। चिड़ियों को मैं बाज लड़ाऊं, गिधड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1,25,000 से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इस पर गुरुदेव जी ने तो एक एक सिखों को 1,25,000 के साथ लड़ने की सौगंध खाई। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें गुरुदेव जी के सेना के हृदय में डर जरूर था, लेकिन मौत का खौफ नहीं था। इस युद्ध में मुगलों पर यह 40 सिख इस कदर भारी पड़े कि उन्हें इनके सामने सर झुकाना ही पड़ा। मुगल सत्ताधारियों को यह एक करारी चपत थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यय हो गए, हजारों की संख्या में फौजें मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए।